दोस्तों हम आजकल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट विद इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड विद इन दैट कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं. तो लास्ट टू लेक्चर्स में आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ जिसके ऊपर शॉर्ट नोट कैन बी देयर इन माय एग्जामिनेशन. एंड इन लास्ट टू लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड फोर बिग प्लेयर्स और फोर बिग इंस्टीट्यूशंस. मैंने पिछले दो लेक्चर्स में आपको कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की बातें की और आपको बताया कि दो बिग प्लेयर्स हैं. मैंने चार बिग प्लेयर्स की वैसे बात की, टोटल 10 प्लेयर्स हैं. तो मैं आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूं और यकीन मानिए कि लेक्चर नंबर 3 में एक नया कंसेप्ट, एक नया ब्लड, एक नया 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 एक आइडिया आपको दूंगा जो आपको शायद पहले से नहीं पता. तो अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो वो बातें क्लियर होंगी. तो मैं चलता हूं आपके साथ साथ लेक्चर 3. आप अपने नोटबुक्स को ओपन कर लें, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट का रजिस्टर खोल लें, मेरी बुक ओपन कर लें. बेटे मैं आज आपको बुक से भी बहुत कुछ बताने वाला हूं जो मैंने आपको बुक दी है और उसका चैप्टर नंबर 15 हमने जो डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट. आज हम बहुत सारी बातें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट बुक से, कि बुक में मैंने क्या आपको एडिशनल पार्ट दिया है जो आपको समझना है बुक से. आज देखेंगे उसको, आज हम उसको देखेंगे. तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ओपन कर लीजिए और इस लेक्चर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए क्योंकि मैं आज पूरे ब्रह्मांड की बातें करूंगा. मैं आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बातें बताऊंगा. तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना है. मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी होश में लेक्चर 3 को डिलीवर करने वाला हूं. मैंने लास्ट दो लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया. फिर सेकंड लेक्चर में जो थोड़ा सा छोटा था उसमें मैंने आपके सामने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के जो नया डेफिनेशन चेंज हुआ है उसकी बातें बताई, वॉरेन बफे की बातें बताई, बिल गेट्स की बातें बताई, मैंने आपको रतन टाटा की बातें बताई, मैंने आपको पाइट पाइपर की बातें बताई, मैंने आपको राकेश झुंझुनवाला की बातें बताई, सारा प्रैक्टिकल बताया. आज लेक्चर 3 है और बेटे लेक्चर 3 में मैं आपको स्टिल कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस ही बता रहा हूं बट उसमें एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं. कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बातें करेंगे आज हम, उन कंसेप्ट को सीखेंगे. तो देयर आर सम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. एक बच्चा कहता है सर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, अभी बताऊंगा. आप पहले इसको लेक्चर 3 में ये देख लें कि बेटे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है. प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, एंजल फंड्स, रियल एस्टेट, बेटे इन सब में भी आजकल हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. एक अलग फॉर्म है इन्वेस्ट करने का, एक अलग ब्रीड है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और उसको हम आजकल डिस्कस करके बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. इट मींस जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, दे कैन इन्वेस्ट ईदर इन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, या तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रेडिशनल क्या बेटे, आज तक जो बातें मैंने की, प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात कर लें, इक्विटीज, डेट, लोन, ये जो भी कुछ सहायता दी, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज ट्रेडिशनल. पुराना जमाना, वो गया हुआ जमाना, कोई लौटा दे मुझे आज. बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ रहा है बेटे. मैं आज आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बातें बताऊंगा. जमाना बदल गया. रतन टाटा साहब ने 19 नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, ओला में, पेटीएम में, ऊबर है, अभी देखेंगे अर्बन कैप में. तो बेटे वो होती क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं रतन टाटा जी और क्या ऑब्जेक्टिव है रतन टाटा का, बेटे आज वही डिस्कशन हमने करना है. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम है प्राइवेट इक्विटी, बट मैं आपको पहले डिटेल में बताऊंगा कि प्राइवेट इक्विटी का जन्म कहां से हुआ बेटे, और उसके लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है. तो मैंने आज के लेक्चर में प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, एंजल फंड्स, और बेटे हमारे कोर्स में एक तो हम प्राइवेट इक्विटी डिस्कस करने वाले हैं और इसकी 3 स्ट्रेटेजीज करेंगे, लिवर्ड, बायआउट, वेंचर कैपिटल एंड ग्रोथ कैपिटल. उसके साथ साथ मैं हेज फंड, रियल एस्टेट कवर नहीं करूंगा क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है. एंजल फंड्स, सीएफए में हम हेज फंड्स, रियल एस्टेट, बाकी सब जगह कवर करते हैं.
मैंने आपको पहले तो प्राइवेट इक्विटी रूल से पहले भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बातें कभी नहीं समझा रहा और उसके फीचर्स बताने के ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस है। भले आपके स्टडी में नहीं थे लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। बेटा नाम कह रहा है प्राइवेट इक्विटी और नाम कह रहा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। क्या लगता है बेटा ट्रेडिशनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव? आई वांट टू गिव यू द फीचर्स दैट व्हाट आई मीन बाय द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। व्हेन आई से ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस इन लास्ट टू लेक्चर्स, दैट इज लिक्विडिटी इज देयर। Those are, you know, to invest in stock, to invest in bonds, to invest in, you know, preferred stock, and that can be easily tradable. Transparency is there. But if I invest in a real estate, if I invest in a private equity, it means if I purchase the securities of a company which is not publicly traded, if I invest in the new idea, new concept, that something is named as alternative investments. हम उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। आपने IIM की बात की होगी, IIM के लोग देखे होंगे जो IIM से आते हैं, जो IIT से आते हैं, काफी हद तक वो लोग अपना धंधा शुरू करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें, सचिन बंसल, बंसल बंधु दोनों भाई, उन्होंने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया फ्लिपकार्ट। ऐसे ही ओला, ऐसे ही पेटीएम, ऐसे ही उबर ऐप, इतनी सारी नई नई चीजें, नए नए कंसेप्ट आजकल आपके सामने आ रहे हैं। तो बेटे उसका नाम है वेंचर कैपिटल। एक हम एंजल फंड्स डिस्कस करेंगे। तो पहली बात हम सब लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज द नेम इंडिकेट्स। बेटे एक होती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स और एक होती है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव का मतलब है ट्रेडिशनल से हट के उसको बोलते हैं बेटे, दैट इज नेम्ड एज ट्रेडिंग ऑल्टरनेटिव। आप सब नोट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स? इफ आई इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द प्रोजेक्ट फाइनेंस, इफ आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द स्टॉक, इफ आई डायरेक्टली गिव द लोन, इफ आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द डेट, इफ आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द डिपॉजिट्स, इफ आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स, दैट इज नेम्ड एज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। So this investment, ये तो बेटे हम करते ही आ रहे हैं। तो examples आप जल्दी से लिख लें। Examples of traditional investments, publicly traded stock, bonds, cash, direct and indirect investment. Examples of alternative investments. Alternative. It means if I say that this is not a traditional, that is named as alternative. If I invest in the equity shares of a privately traded company, which is not publicly traded, if I invest in a private company, if I buy the stock of that private company, or if I invest in the idea of that company, or if I want to, you know, buy that equity with the help of debt of that company, I will say that all are named as alternative investments. मैं कहता हूँ रतन टाटा जी जो 19, ये देखिए आप 19 firms में रतन टाटा जी ने अपनी investment की है, 19 startups backed by रतन टाटा। अगर आप ध्यान से देखें Google को, तो बेटे Paytm में investment रतन टाटा की, Ola में investment रतन टाटा की, Ola में investment रतन टाटा की, MI में investment रतन टाटा की, स्नैपडील में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की, सियामी में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की, अर्बन लैडर में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की, आप देखिए जेबोंग में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की, यूसी में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की, इट मींस 19 ऐसी, लेंस कार्ट में इन्वेस्टमेंट रतन टाटा की। तो बेटे इसी कंपनी में कुछ समय तक इन्वेस्ट करना, एज ए एंजल इन्वेस्ट करना, एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करना, अभी देखेंगे हम डिफरेंस, as a shares of that company invest करना, तो बेटे इन सब का नाम है private equity। आज हम उसी बात को सीखेंगे। Maximum आज की class रतन टाटा की है। तो बेटे हम discuss कर रहे हैं capital market investment institutions। ऐसे कौन से institutes हैं which are pumping funds in the market, in the primary market for the first time? We have discussed 4 categories. Today I will be discussing the most important category, that is alternative investments. And within alternative investments, we have different forms of investments. And the first form which I am going to start with is primary private equity. बेटे जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ, उसको मैं बोलूँगा private equity. ये देख लीजिए 19 firms हैं, जहाँ पर रतन टाटा जी ने invest किया है,
तो बेटे आज हम इन सभी बातों को सीखेंगे। आइए हम थोड़ा सा पहले लिख लें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेटे हम कहना क्या चाह रहे हैं, आइए तो एक बार आप ऊपर ट्रेडिशनल तो लिख ही चुके हैं, फिर लिखिए जी एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। ऑल दीज आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब इसके एग्जांपल, इसके फीचर्स क्या होते हैं, थोड़े फीचर्स भी लिखने हैं, नो डाउट हमारी स्टडी में नहीं है, बट बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग डेज, सो आई शुड नो व्हाट आर द फीचर्स। सो इफ आई कंपेयर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट विद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल। व्हेन आई सेड ट्रेडिशनल, इट मींस इन्वेस्टमेंट इन दिस, इन्वेस्टमेंट इन दिस, इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन प्रेफर्ड स्टॉक, ऑल दैट इज ट्रेडिशनल। तो लिखेंगे फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। But what is the difference between traditional and alternative? Because if I invest in a private shares of a private equity in the form of, you know, in the shares of, if I purchase the shares of a private firm, then it is less liquid as compared to traditional. So I want to write down what are the features of that. So first feature, I better less liquidity of assets held, less regulations and transparency kam hogi, regulations kam hai, लेस लिक्विडिटी है क्योंकि आप जल्दी से बेच नहीं सकते। इवन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करना इज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। बेटे मोनालिसा की पेंटिंग में, बेटे स्टैम्प्स में, फॉर्मलैंड्स में, वुड में, ऑल दीज आर नेम्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो लिखेंगे लेस लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड लेस रेगुलेशन, लेस मोर प्रॉब्लमेटिक, इट मीन्स इसमें प्रॉब्लम्स प्रॉबिबिलिटी ज्यादा होती है, एंड लेस रिलायबल हिस्टोरिकल डाटा, हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा की बड़ी कमी रहती है, अभी हम सीख लेंगे। बट मैं अगर पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं स्टैम्प्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ आर्कोलॉजिकल चीजों में इन्वेस्ट करता हूँ, इफ आई गो फॉर यू नो इन वुड, इन फॉर्म वुड, ऑल दैट इज नेम्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताना है, दैट इज प्राइवेट इक्विटी। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी। आज का ये जो लेक्चर है बेटे, आज का ये जो लेक्चर है, मैं भूपेश आनंद आपके सामने जो लेक्चर आज मैं देने वाला हूँ बेटे, उसमें प्राइवेट इक्विटी की बात हम करेंगे। कि पहले हम सीखेंगे व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी। मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, स्टिल आपके पास बुक तो है मेरी, आप देख सकते हैं प्राइवेट इक्विटी के बारे में मैंने क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक मैंने मेंशन किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेट इक्विटी। एग्जामिनेशन देखिए कितनी बार आ चुका है, न्यू सिलेबस में आ चुका है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है प्राइवेट इक्विटी, आपको करके जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। प्राइवेट इक्विटी मैंने यहां पर मेंशन किया, प्राइवेट इक्विटी इज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी बताया व्हाट आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर नेम्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, व्हिच आर नॉट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आर नेम्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड कंसिस्ट ऑफ कैपिटल दैट नाउ नॉट लिस्टेड ऑन अ पब्लिक एक्सचेंज। Private equity is composed of funds and investors that directly invest in a private company or they engage in buyout of public companies resulting in delisting of this. So what are the different categories of private equity? I will say there are 3 categories. बेटे एक तो होती levered, leveraged buyout, देखेंगे, आइए पहले थोड़ा सा लिखेंगे तब ज्यादा समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी भावना है। आप register खोल ही चुके हैं, लिखें private equity। Next investment institution, first part, it is a type of finance. It is a type of finance who takes securities and debt in operating companies. जैसे रतन टाटा जी ने इन सभी companies में कुछ stake लिया, कुछ investment किया, कुछ shares लिए, तो मैं कहता हूँ private equity is a type of finance with Ratan Tata is giving who takes securities and debt in Paytm, who takes securities and debt in Ola,
who takes securities and debt in urban ladder, who takes debt securities and debts in operating companies that are not publicly traded. It means आप directly उसको stock exchange से purchase नहीं कर सकते. इसका मतलब आप private companies में directly investment कर रहे हैं जिसके shares market में available नहीं है. ठीक है जी. That is named as on a stock exchange, that is private equity. तो मैंने example के लिए लिखा है, जैसे अभी 19 startups मैंने लिखा है रतन टाटा जी के, Paytm, Ola, Lenskart, etc. ठीक है जी. तो second part लिखिए, the major of private equity consists of. अब कौन करता होगा बेटे private equity में? रामू, शामू, मोहन नहीं कर सकते, बड़े धनी लोग जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, दूसरों की मदद की भावना से या मैं उसको एक्वायर करने की भावना से, या ये जो लोग हैं, ये जो धनी लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, दे इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज. तो सेकंड पार्ट, द मेजर ऑफ प्राइवेट इक्विटी कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब प्राइवेट इक्विटी में मेजर पार्ट किसका होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स लाइक रतन टाटा, who can commit large sum of money for long period of time, लंबे समय के लिए ज्यादा पैसे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं. हम कहते हैं वो ज्यादा मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं प्राइवेट इक्विटी के. ठीक है जी. आइए, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी, ये हमारे बुक में है, हमारी स्टडी में है और लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट इक्विटी किस किस तरह से, किस किस ढंग से हम ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आप प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटजीज कह दीजिए, मेथड्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए. लिवरेज्ड बायआउट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. आज हम सीखेंगे, आज हम क्रेन की बात करेंगे, लिवरेज्ड बायआउट की बात करेंगे, लिवर की बात करेंगे, लिवरेज की बात करेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे, कंबाइंड लिवरेज की बात करेंगे. तो टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी बेटे, पहला है लिवरेज बायआउट, दूसरा है वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल, आईआईएम्स की बात करेंगे और उन 19 स्टार्टअप्स की बात करेंगे, क्या वो वेंचर कैपिटल्स थे? इफ यस, व्हाई, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल? एंड ग्रोथ कैपिटल, कई बार क्या होता है कुछ कंपनीज एक्सपैंड करती हैं, डाइवर्सिफिकेशन में जाती हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं, तो उसके लिए दे इशू इक्विटी शेयर्स. एंड इफ वी इन्वेस्ट इन द ग्रोथ कैपिटल, दैट इज ग्रोथ कैपिटल. इफ आई इन्वेस्ट इन द न्यू आइडिया, दैट इज वेंचर कैपिटल. इफ आई वॉन्ट टू बाय अ सिक कंपनी, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ लॉस मेकिंग कंपनी, बाय बाइंग दैट इक्विटी शेयर्स, बाय द हेल्प ऑफ डेट, That is named as levered buyout. अभी हम सीखेंगे कि leveraged buyout क्या होती है. बेटा leverage का मतलब क्या होता है? Risk लेकर उस company को buy करना. अब एक company, एक पुरानी कार है, पुरानी कार तो खराब ही पड़ी है, अब वो खुद तो चली नहीं पा रही, पुरानी कंपनी नहीं चल पा रही, तो एक नई कंपनी रतन टाटा जी अगर उस कंपनी को खरीदना चाहे, जबकि उनका कभी ऑब्जेक्टिव नहीं ना एक्वायर करने का, इफ ही वांट टू बाय दैट कंपनी, तो क्या करेंगे? उस कंपनी की इक्विटी को बाय कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डेट, रिस्क लेकर, डेट लेकर उसकी इक्विटी को बाय करेंगे, तो उसको हम कहेंगे लिवरेज्ड बायआउट. जैसे एक क्रेन है, एक पुली है, एक उसका हुक है. अभी हम देखते हैं, पहले आप सेकंड थर्ड पार्ट लिख लिया बेटे, लिख लिया, आप लिख रहे हो ना बेटे, सब बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं और जो आप मेरे साथ आपने मेरे को कैमरे में देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी लिख रहे हैं, लिवरेज बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल. अब बेटा मैं पहली बात जो करने वाला हूं उसका नाम है लिवरेज बायआउट. इट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. लिवरेज बायआउट, आराम से देखना, इट इज अ स्ट्रेटेजी. It is a strategy of making equity investments in which a company, business unit or business assets, मैं रिपीट करता हूं, a company, business unit or business assets are acquired, business unit, business or a company is acquired from existing shareholders.
विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। बेटे डेट लेकर, हम उधार लेकर उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाय कर लें, तो हम कहते हैं इसका नाम है लिवरेज्ड बाय आउट। बाय का मतलब खरीदना, आउट का मतलब उस बिजनेस को, उस यूनिट को बाय करना, और लिवरेज लिवर का इस्तेमाल करके, रिस्क का इस्तेमाल करके। और बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको सिखाया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज। इफ आई गो फॉर मोर डेट, अगर मैं ज्यादा डेट लेता हूँ, ज्यादा लोन लेता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट कंपल्सरी देना पड़ेगा, और जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो इसका मतलब ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोस्तों एक कार है, ये बेटे एक कार है और एक क्रेन है। अब ये क्रेन, पुरानी कार और हुक, तीन चीजें हैं इसमें। मैं कहता हूं ये जो पुरानी कार है ना, ये बेटे कार है जो पुरानी कंपनी है, जो चल नहीं पा रही, जो लॉस मेकिंग है, ऐसा मान के चलते हैं। और ये जो पूरी क्रेन है, इसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति, वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, दो दैट पर्सन हु वांट्स टू बाय दैट कार विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेन एंड विद हेल्प ऑफ दिस हुक। हुक हुक पता क्या बेटे ये है हुक, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है ये हुक है बेटे, ये हुक है, ये हुक है बेटे, यहां पर इस हुक के द्वारा, डेट के द्वारा उस पुरानी कंपनी को बाय करना। डेट मतलब हुक, मतलब डेट, पुरानी कंपनी मतलब उसका मतलब जिसको हम बाय कर रहे हैं कार, और जो खरीद रहा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। अगर लिवर्ड बाय आउट करता है, अगर उस कंपनी को परचेज करता है डेट के थ्रू, तो बेटे इसको क्या बोलते हैं, लिवरेज बाय आउट। आप ये बताइए, चावल खाने के अलग अलग तरीके हैं ना, आप चावल को पुलाव में खा सकते हैं, आप चावल दूध में ले सकते हैं, आप चावल का डोसा खा सकते हैं, आप चावल का इडली खा सकते हैं। इसका मतलब प्राइवेट इक्विटी के तीन पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक लिवरेज बाय आउट, लिवरेज बाय आउट, एक है वेंचर कैपिटल, एक है ग्रोथ कैपिटल। और बेटे इनके अलग अलग, ये है सब प्राइवेट इक्विटी के, एक माँ है उसके तीन बच्चे हैं, लिवरेज बाय आउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। आइए थोड़ा सा और देखें, हम थोड़ा सा और लिखें। ओल्ड कार, क्रेन मैंने एग्जांपल बताया, वेंचर कैपिटल बेटे आईआईएम्स की बात करेंगे, फ्लिपकार्ट के बंसल ब्रदर्स की बात करेंगे, ओला की बात करेंगे, पेटीएम की बात करेंगे, अर्बन लेटर की बात करेंगे, लेंस कार्ड की बात करेंगे, आजकल आपको पता है स्विगी की बात करेंगे, ऊबर की बात करेंगे। नए आइडियाज हैं, नए कंसेप्ट्स हैं, ये दुनिया नए आइडियाज से भरी पड़ी है। तो जब एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, जब रतन टाटा जी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट इज इन्वेस्टिंग इन दैट वेंचर विच इज न्यू, विच हैज अ न्यू कंसेप्ट, विच हैज अ न्यू आइडिया, बिल्कुल नया कंसेप्ट स्विगी, बिल्कुल नई बात पेटीएम, बिल्कुल नया लॉजिक ओला, बेटे जब यहां पर इन्वेस्टमेंट होती है तो हम कहते हैं इट इज वेंचर कैपिटल। एक्वायर करने की भावना से ये इन्वेस्ट नहीं करते बस, क्योंकि नया आइडिया है, नया कंसेप्ट है, उनको लगता है ये आइडिया आगे चलेगा, सो दे इन्वेस्ट और दे बाय द शेयर्स फ्रॉम दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज नेम्ड एज वेंचर कैपिटल। अर्ली स्टेज में भी कर सकते हैं बेटे, बेटे बेटे बीच वाली स्टेज में भी कर सकते हैं, लेटेस्ट स्टेज में भी कर सकते हैं, उसको देखेंगे, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा एंजल फंड्स, फरिश्ते। अभी देखते हैं फरिश्तों की बात करेंगे, पहले वेंचर कैपिटल लिखेंगे। इट रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मेड इन लेस 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 मैच्योर कंपनीज। देखिए बेटे क्या लिखा है, लेस मैच्योर कंपनीज, अभी मैच्योर नहीं हुई, अभी फूल खिला नहीं, अभी छोटी सी कली आई है, और आपको पता चल गया है कि ये अब फूल बहुत बड़ा खिलने वाला है, तो आप जब उस कली में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका नाम है बेटे, एक तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में आएगा, लेकिन ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, और उसमें है प्राइवेट इक्विटी, और उसकी तीसरी सेकेंड स्ट्रेटेजी है वेंचर कैपिटल। तो लिखते हैं, इट रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इक्विटी equity investments made in less mature companies for the launch, या तो उसको start करने के लिए, या company start हो गई उसकी development के लिए, technological development, early development or expansion of a business। कहीं पे भी, किसी भी stage में आप उस नए idea में, नए concept में, नए logic में
जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका नाम है वेंचर कैपिटल। तो बेटे मैं अभी ई कॉमर्स साइट की बात बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं कल अपनी वेबसाइट ऑन कर लूं और उसमें बाकी सब टीचर्स की वीडियो लेक्चर सेल करना शुरू कर दूं, तो क्या वो एक नया आइडिया होगा, नया कंसेप्ट होगा? नहीं बेटे, ऑलरेडी ऐसी साइट बहुत सारी चल रही है मार्केट में। तो वेंचर कैपिटल का मतलब होता है न्यू समथिंग क्रिएटिविटी। तो बेटे प्राइवेट इक्विटी के तीन स्ट्रेटजीज, तीन फॉर्म्स, मैं थर्ड फॉर्म में आ गया जी, ग्रोथ कैपिटल। इट रेफर्स टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। जो कंपनीज एक लेवल अचीव कर चुकी हैं, अब वो एक्सपेंड करना चाहती हैं, अब वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, तो ऐसी कंपनीज में जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, मैं क्योंकि बार बार रतन टाटा जी का नाम ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 19 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको लॉजिकली रिलेट करने में आसानी होगी। तो मैं यहां पे कह रहा हूं ग्रोथ कैपिटल, इट रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर कैपिटल टू एक्सपेंड, जो कैपिटल रिक्वायर्ड करती है एक्सपेंड करने के लिए। एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंस अ मेजर एक्विजिशन, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ कैपिटल। तो आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, एंजल फंड्स। वैसे एंजल फंड्स मैंने हमारे 10 इंस्टीट्यूशंस में से मैंने 5 डिस्कस कर दिए, प्राइवेट इक्विटी में 3 फॉर्म्स डिस्कस कर दी, मैंने नेशनल लेवल करे, स्टेट लेवल किए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किए, प्राइवेट इक्विटी की, और विद इन प्राइवेट इक्विटी मैंने 3 बातें डिस्कस कर दी। अब मैं आ रहा हूँ एंजल फंड्स। बेटे एंजल क्या होते हैं? एक मूवी आई थी, अगर आपने थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार, रानी मुखर्जी की थी, थोड़ा मैजिक थोड़ा लव, बेटे मैजिक भी कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं फरिश्तों जैसे आते हैं, हमारी मदद करने आते हैं और फिर चले जाते हैं, रुकते नहीं है फरिश्ते, कभी नहीं रुकते। वेंचर कैपिटलिस्ट फिर रुक सकता है, क्योंकि मैंने अभी डिफरेंस बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड अ फरिश्ता एंड अ एंजल फंड। मैंने वैसे साइट में लिखा भी हुआ कहीं ना कहीं, आपने निकाला है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल फंड्स, क्योंकि थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। वो भी नए आइडिया में करते हैं, ये भी नए आइडिया में करते हैं, वो भी स्टार्टिंग में करते हैं, ये स्टार्टिंग में, बीच में कभी भी कर सकते हैं वेंचर वाले। लेकिन वेंचर वाले लंबे समय तक रुक भी सकते हैं, लेकिन एंजल वाले कभी लंबे समय तक नहीं रुकते। एंजल अपना पैसा यूज करते हैं और वेंचर कैपिटल कहीं से लेके भी इन्वेस्ट कर सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, रतन टाटा जी इज वर्किंग एज अ एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि उनके पास फंड्स बहुत सारे हैं, लक्ष्मी जी की अपरंपार कृपा है। वो पिछले कितनी बार तो पद्म भूषण, वीर पद्म भूषण अवार्ड मिल गए, अब वो लोगों की मदद कर रहे हैं। कहते हैं जो खुद खाने में इतना मजा नहीं है जितना मजा दूसरों को खिलाने में, बेटे आजकल रतन टाटा जी दूसरों को खिला रहे हैं। तो मैं कहूंगा रतन टाटा जी एंजल फंड्स का काम कर रहे हैं। तो आइए आइए हम पहले एंजल फंड्स की बात करो। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। बेटे फरिश्ते ज्यादा रुकते नहीं है, अपना काम हुआ निकल लिए। तो देखते हैं, एन एंजल इज अ इंडिविजुअल, आप रतन टाटा पढ़िए, हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्टअप। तो मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं रतन टाटा, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इन एक्सचेंज फॉर कन्वर्टेबल डेट और ओनरशिप इक्विटी, मतलब वो डेट भी ले सकते हैं जो कन्वर्ट हो जाए, जैसे 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 गार्डन लिजर्ड अपना रंग बदल लेती है, जब डेट हमने शुरू में लिया उसके बाद जब कंपनी चल पड़ी तो उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन अगेंस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट और ओनरशिप इक्विटी, एंजल इन्वेस्टमेंट्स आर द अर्लीस्ट। बट एंजल का मतलब ही क्या है? जब आइडिया हो गया उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क बढ़ गया। एंजल में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पता नहीं आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, अभी टेस्ट भी नहीं हुआ। तो हम थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट्स आर द अर्लीस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मेड इन स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। द इफेक्टिव एंजल हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स टू शेप बिजनेस मॉडल्स, क्रिएट बिजनेस प्लान्स एंड कनेक्ट टू रिसोर्सेस। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, जब कोई कंपनी शुरू होती है उसका बिजनेस प्लान भी अभी नहीं बना, खाली एक आइडिया है कि हम स्विगी जैसा काम करते हैं, एक आइडिया है, और उसका बिजनेस प्लान बनाना, स्विगी का कैसे होगा, उसकी रिसोर्सेज को कनेक्ट करना, इसमें भी इन्वेस्टमेंट का नाम होता है एंजल इन्वेस्टमेंट्स।
एंजल्स आर जनरली एंटरप्रेन्योर्स हु हैव सक्सेसफुली बिल्ट कंपनीज. बेटा रतन टाटा जी एंजल हैं, उन्होंने ऑलरेडी पता नहीं कितनी कंपनी, अगर आप टाटा ग्रुप को देखें तो हजारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दे हैव. नाउ ही हैज नाउ एक्सपीरियंस, तो ही इज वर्किंग एज अ कोच. जैसे कोच होता है ना बेटे क्रिकेट टीम का, 11 मेंबर्स का, 13 का, कोच हिमसेल्फ डज नॉट प्ले, वो खाली गाइड करता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है और प्रैक्टिस कराता है. तो रतन टाटा जी इज वर्किंग एज अ कोच, इज वर्किंग एज अ एंजल इन्वेस्टर, समटाइम्स ही वर्क एज अ लिवरेज बायआउट, समटाइम्स ही वर्क एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड समटाइम्स ही इन्वेस्ट इन ग्रोथ कैपिटल, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ही इन्वेस्ट इन एंजल कंपनीज एज एंजल इन्वेस्टर्स. अभी हमने देखा 19 स्टार्टअप्स. तो आइए मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, राकेश झुनझुनवाला को मैं कहूंगा इज अ हाई नेटवर्क नेटवर्थ. नेटवर्थ क्या होती है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा ना आपने, नेटवर्थ एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दें तो नेट हम कितने के मालिक हैं उसको बोलते हैं नेटवर्थ. जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है हम कहते हैं आप तो बहुत अमीर हैं, आप तो बहुत ये हैं, आप तो ये हैं, तो हम उनका नाम डालते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और शॉर्ट फॉर्म है HIN. जैसे आपके घर का नाम है ना बंटी, बबली, शामू, ऐसे ही बेटे इसका घर का नाम है HIN, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. ये बेटे अलग तरह के कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो पंप न्यू फंड, न्यू ब्लड इन द कैपिटल मार्केट फर्स्ट टाइम. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कसिंग विद इन प्राइमरी मार्केट. सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. नाउ आई एम ऑन टू हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. इट इज अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर रिटेल सेगमेंट्स. बट ये क्लास अलग ही होती है, ये जगवार की क्लास है, ये BMW की क्लास है. आप विजय माल्या को देखें अगर पहले, अभी की बात नहीं कर रहा, या आप मैं कहता हूं आप एयरटेल के मालिक को देखें, आप फ्लिपकार्ट के उनको देखें, सचिन बंसल जो मालिक हैं, बट ये अलग ही ब्रीड ऑफ क्लास हो गई है. इनके पास अलग ही तरह के नेटवर्क आ गए, बहुत ज्यादा पैसे आ गए, इनके आने वाली जनरेशन को काम नहीं करना पड़ेगा. तो ऐसे लोगों को हमने कहा दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. और बेटे ये रिटेल सेगमेंट से हट के होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं इट इज अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर रिटेल सेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ एसेट्स एंड इन्वेस्टेबल सरप्लस. इसका मतलब इनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्थ होती है, और बहुत सारे एसेट्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं. द डेफिनेशन ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वेरीज. अब ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कि आप किसको हाई नेटवर्थ मानते हैं. कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है कि इतना होगा तो. इट डिपेंड्स. तो यहां लिख लें द डेफिनेशन ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वेरीज एज पर ज्योग्राफिकल एरिया, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है जी. तो मैं भूपेश आनंद आपको अपनी बुक की तरफ लेके चल रहा हूं. बेटे मैंने प्राइवेट इक्विटी का आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 4th में, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो मैंने ऑलरेडी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो इसकी हमने स्लाइड भी की, डिस्कस भी किया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अभी करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंजल फंड्स कर चुका हूं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कर चुका हूं, वेंचर कैपिटल कर चुका हूं. तो जरा देखें मैंने आपको एंजल फंड्स के बारे में भी अपनी बुक में बहुत कुछ मेंशन किया, और मैंने कुछ स्लाइड्स भी दी थी, मैंने प्रैक्टिकल वेबसाइट गूगल से भी दिखा दिया. तो अगर आप सबको रिलेट करें और अपनी समरी बनाएं तो दोस्तों आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी. बेटे ये पेपर खाली पास होने के लिए नहीं है. आप मेरा एक वीडियो देखिए जहां पे मैंने लिखा है हाउ सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट कैन शेप योर कैरियर. आपका कैरियर चेंज कर सकता है. तो मैं भूपेश आनंद इन्हीं बातों के साथ आपके साथ आज का मैं बाय बाय कर रहा हूं. अभी बेटे हमने एक क्लास और लेनी है जिसमें हमने पेंशन फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करनी है, तो जाकर हमारा पहला पिलर कंप्लीट होगा इंस्टीट्यूशंस का. उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे. बेटे अगर कर रहे हैं तो शेयर करें, और शेयर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सो दैट मैं और इंप्रूव करूं और ज्यादा लोगों तक, बच्चों तक अच्छी क्वालिटी दे पाऊं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.